ध्यान देना, बेस्ट वे ऑफ स्टडी हम तुमको बताते हैं, ठीक है ना। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और वो भी खास करके हमारे क्लास में मैं जो बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि ऐसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है वो ये है कि जब भी तुम्हारा लाइव क्लास हो ना, ठीक है ना, तो लाइव क्लास के लिए तुम्हारे पास में एक कॉपी होना चाहिए जिसमें मैं जैसे 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 लिखता हूँ वैसे वैसे तुम भी नोट्स बनाते जाओ, लिखते चलो, ठीक है ना। लाइव क्लास में नोट्स जो है उसको बनाओ, पहला पॉइंट। लाइव क्लास में जब नोट्स बनाओगे ना, तो इसका फायदा ये हुआ कि वो चीजें हमेशा से तो हमेशा के लिए तुम्हारे पास सेव हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट जो है ना हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो आपको हैंड रिटन नोट्स मैं भेजता हूँ, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स जो है, ठीक है ना, उस नोट्स को भी साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है ना, उसका भी नोट्स बनाते चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसका नोट्स कब बनाना है, आफ्टर लाइव क्लास, लाइव क्लास के बाद बनाना, उससे पहले नहीं बनाना, ठीक है ना। लाइव क्लास के बाद बनाओगे ना तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी तुम क्लास में आओ, ठीक है ना, बिफोर क्लास, बिफोर क्लास, ठीक है ना, क्लास आने से पहले तुम दो काम कर सकते हो। पहला काम क्या हो सकता है कि तुम रिवाइज कर लो, किसको, तो लाइव क्लास का जो नोट्स जो तुमने बनाया है, ठीक है ना, उसको आप रिवाइज कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए लाइव क्लास का जो नोट्स है वो रिवाइज आप मतलब आपने उसको अच्छे से नहीं समझा है, मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है, तो बिफोर क्लास हमेशा क्या करो आप, हमेशा क्या करना है आपको, तो जब भी क्लास आपका हो है, जैसे आज 8:30 से अपना क्लास है, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7:30 से 8:30 के बीच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख लेना है, ठीक है ना। रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हमारा है, जैसे कि मान लीजिए पीसी क्लास का जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हो गया है उसको देख लो, ठीक है ना, सी द रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है ना, जो पिछले क्लास में हुआ था उसको आप देख लो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है उसको देख लीजिए। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा बैठ के देखें, बिल्कुल जरूरत नहीं है 1 घंटा बैठ के देखने का, आप क्या कीजिए उसको 1.5x के स्पीड पे देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो 2 के स्पीड में आप देख लीजिए, लेकिन उसको देख के आइए, ठीक है ना। उसको देख के अगर आप आएंगे ना तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। और चीजें जितना अच्छा क्लियर होगा ना, ध्यान देना, चीजों चीजें जितना क्लियर होंगी, जितना तुम अच्छे से देखोगे ना, कॉन्सेप्ट जितना अच्छा बनेगा, तुम्हें पढ़ने में उतना मजा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट सब्जेक्ट में और उतना ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोगों को कोशिश करना है कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ठीक है ना, इसको एटलीस्ट बायो में तो फॉलो करो ही करो, मैं तो बोलूंगा सारे सब्जेक्ट में फॉलो करने चाहिए, ठीक है ना, लेकिन बायो में इतना अगर तुम कर लोगे ना बेटा, तो इतना कंफर्म है कि कभी भी बायो के कारण से तुमको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हमको नहीं आता है, ठीक है ना। क्या क्या पॉइंट है, आसान है, हमेशा लाइव क्लास जब भी आपका हो, ध्यान दीजिए, लाइव क्लास जब भी हो बेटा जी, क्या करना है आपको, नोट्स बनाना है, ठीक है ना। कथा प्रवचन यहाँ पे नहीं सुना है, यहाँ पे कोई ये नहीं हो रहा है, भंडारा नहीं हो रहा है कि बैठ लेंगे तो प्रसाद मिले, लिखते चलो, ठीक है ना। और जो भी हैंड रिटन नोट्स है उसको अभी नहीं बनाना है, ठीक है ना, आफ्टर लाइव क्लास, या तो चैप्टर खत्म हो जाने के बाद या क्लास खत्म होने के बाद बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, बिफोर क्लास, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर ये कर लोगे ना तो मेरा बात मानो, बिलीव करो, बायो में कभी भी तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। क्या करना है आपको, जो लेक्चर कंप्लीट किया है आपने पिछले क्लास में, ठीक है ना, उसको रिवाइज करना है, लाइव क्लास का नोट्स का वो रिवाइज कर लेना है। अगर मान लीजिए नोट्स रिवाइज करने में आपको लगता है कि यार ये पढ़ने का मन नहीं है, तो कुछ नहीं है, सबसे आसान तरीका है कि जो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है रिकॉर्डेड लेक्चर, उसको तुम अपने सहूलियत के अनुसार से 1.5 गुना फास्ट कर लो या 2 गुना फास्ट कर लो, उसको फास्ट करके देख लो। मान लो 45 मिनट का हमारा लेक्चर है तो कितना टाइम लगेगा 45 मिनट का लेक्चर कंप्लीट करने में, तुम भगा भगा कर उसको देखोगे, 20 मिनट मैक्सिमम, और ये जो 20 मिनट दे दोगे ना जिंदगी बना देगा तुम्हारा, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ये 20 मिनट तुम वीडियो देख लोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी बना देगा, कभी भी उस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा फॉलो करने का कोशिश करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो क्लास अपन स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रहने देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कहीं पे,
चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में कहाँ पे थे हम लोग? माही बेटा, लाइव क्लास का जो है ना, हमने बात किया है सर से, प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास में फोन अपना नहीं है, मम्मी या पापा का यूज करते हैं, तो थोड़ा उसको लेकर के इशू है। सर से अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जल्दी मैं आने वाला हूँ। वेरी गुड जवाब, एक्सलेंट बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो चुका था, कैरियोकाइनेसिस फिनिश हो चुका था ना? हाँ या ना? ओके, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट था ना? चल ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस के बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस के बाद कौन सा स्टेप आता है बताना मुझे। एक्सलेंट बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। ओके, तो चलिए जी, आज का हमारा जो हेडिंग रहेगा दैट वन इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना? तो अपन हेडिंग दे लेते हैं साइटोकाइनेसिस। मीनिंग बताना थोड़ा मुझे, क्या मीनिंग है इसका? सर, आप कल के क्लास में एक पॉइंट बताने वाले थे, कौन सा पॉइंट बेटा बताना मुझे थोड़ा। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है ना? सिंपली मतलब होता है साइटो, मतलब साइटो का मतलब सिंपली यहाँ पे हम लोग साइटोप्लाज्म लेंगे बेटा, ठीक है ना? हाँ, साइटोप्लाज्म डिवीजन, वेरी गुड, एक्सलेंट, साइटो प्लाज्म डिवीजन होगा, ठीक है ना बेटा जी? ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग साइटोप्लाज्म डिवीजन की बात करने वाले हैं, साइटोप्लाज्म डिवीजन हम लोग अगर देखें तो दो तरीके से है, एनिमल सेल में अलग तरीके का होता है और प्लांट सेल में अलग तरीके का होता है, ठीक है ना? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइटोप्लाज्म डिवीजन इन एनिमल सेल, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इन प्लांट सेल, इन एनिमल सेल, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन प्लांट सेल, ठीक है ना? प्लांट सेल दोनों में हम लोग साइटोप्लाज्म डिवीजन की बात जो है करने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलो बेटा ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं, इसको मैं पहले घेर देता हूँ अच्छे से बॉक्स में। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, इन प्लांट सेल, दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले इन एनिमल सेल देख लेते हैं, चलो मैं यहीं पे हेडिंग देता हूँ, साइटोप्लाज्म डिवीजन इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल। ध्यान देना बेटा, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म डिवीजन कैसे होता है वो यूनिक है, समझो। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एट द एंड ऑफ टेलोफेज या रिवर्स प्रोपोज, सेल ऐसे लंबा हो गया था और सेल के अंदर में दो ठो न्यूक्लियस बन गए थे, पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, और ये इवेंट कहलाता था कैरियोकाइनेसिस। ध्यान देना बेटा, एक और चीज यहाँ पे हो रहा है, क्या तुम देखोगे क्या, जब हमारे यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो जाता है तो यहाँ पे कोई, हाँ एक और चीज ध्यान देना, हमने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे स्पिंडल फाइबर जो है ना, कुछ इस तरीके से जो यूज होते हैं, वो सारे स्पिंडल फाइबर यहीं पे होंगे, कहाँ जाएगा वो छर्मवा जो आकृति बना था, जो कि क्रोमोसोम को अलग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो कहाँ होगा? यहीं पे प्रेजेंट होगा ना, ये अपना स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर। बेटा जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है ना, तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इवेंट होगा। इवेंट क्या होता है मैं बताता हूँ, होता क्या है कि ये जो हमारा छद्मवंश संरचना है, आकृति है, इसके ऊपर में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन आकर के उसको घेर लेता है। जैसे तुम्हारा ये हाथ है, उस हाथ पे तुम अपना ये रिंग पहनते हो, ये सारी चीजें पहनते हो ना, वैसे ही जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन इस तरीके से आकर के इसको बांधने लगते हैं ऐसे, ठीक है बेटा? और ये जो प्रोटीन है जो इसको बांध रहे हैं, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं असल में, ये जो है ना हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है ना? ध्यान देना, ये कैसा प्रोटीन है? कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब क्या होता है? सिकुड़ने फैलने वाला, रबर के जैसा प्रोटीन, सिकुड़ने वाला प्रोटीन, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्पिंडल फाइबर के ऊपर में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की खासियत क्या है, ये सिकुड़ता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एटीपी इसको खिला दोगे ना तो ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्या करता है, सिकुड़ता है, ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है ना?
और बेटा जी अगर ये सिकुड़ेगा तो सीन कैसे क्रिएट होगी, ध्यान देना मुझे मेरी बात को। अगर तुम देखोगे कि सीन कैसा क्रिएट हो रहा है तो तुम्हें पता चलेगा जब ये सिकुड़ना स्टार्ट हो गया, ध्यान दो, जब सिकुड़ना ये स्टार्ट हुआ तो होगा क्या यहाँ पे, तुम्हें पता चलेगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर था कुछ इस तरीके से बीच से पचकना स्टार्ट हो गया है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे ये कुछ ऐसा सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, समझना मेरी बात, ठीक है ना। चूंकि लगातार ये सिकुड़ रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हमारा, इस कारण से लगातार जो है ना उसमें इस तरीके से गड्ढा बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, लगातार गड्ढा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इस कारण से तुमको क्या दिखने वाला है, ध्यान दो, तुम्हें दिखने वाला है कि यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर गड्ढा में जो है ना धंसना स्टार्ट कर, ध्यान दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे कुछ इस तरीके से गड्ढा निर्माण करना स्टार्ट कर दिया है इस तरीके से, ठीक है ना। और जो सेल है, लगेगा सेल जो है ना बीच से दबता जा रहा है, ऐसे दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, दबाव उत्पन्न हो रहा है बेटा, ठीक है ना। और चूंकि यहाँ पे दबाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे दबाव बना है या गड्ढा बना है, इस गड्ढा को लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल का गड्ढा, या सेल फरो के नाम से जानते हैं इसको, सेल फर, ठीक है ना। और इस तरीके से सेल का गड्ढा या सेल का फर्रो का निर्माण ही, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होने वाला है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल फर्रो है ये लगातार बनता बढ़ता चला जाता है, दोनों तरफ से लगातार दबाव बढ़ता चला जाएगा, और लगातार ये जो है ना धंसता चला जाएगा, ठीक है ना, लगातार ये धंसता चला जाएगा, ध्यान दो, लगातार ये धंसता चला जाएगा। और इस तरीके से होने वाला क्या है बेटा, ध्यान दो, लगातार धसते धसते तुमको क्या पता चलेगा, एक समय ऐसी आएगी कि ये सेल जो है ना पूरा धस चुका होगा, उसका एकदम सिकुड़ चुका होगा ऐसे, ध्यान देना। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाई देता हूँ, ये अपना प्यारा सा एक न्यूक्लियस अपना ये, ठीक है ना, और यहाँ पे ये वाला जो भाग है कुछ इस तरीके से सिकुड़ता चला गया है, बहुत सिकुड़ गया है, ठीक है ना, इतना ज्यादा ये सिकुड़ गया है कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ध्यान देना, ये गड्ढा एकदम ऐसे ऐसे सिकुड़ता चला गया है इस प्रकार से, ठीक है ना। अब जो अपना जो स्पिंडल फाइबर था वो केवल यहीं पे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये जो हमारा उसके ऊपर में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन था, एकदम पतला सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना, थोड़ी देर के लिए, तुम्हें पता चलेगा अब तो वो गायब ही हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद तुमको पता चलेगा कि अब तो वो गायब ही हो गया बेटा जी, ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि अब ये गायब हो चुका, ठीक है ना। और जैसे ही ये गायब हो चुका, अब तुमको क्या पता चलेगा, अब आपको पता चलेगा ये एक सेपरेट सेल में बदल गया, और ये जो है अपना एक सेपरेट सेल में बदल बदल गया, जिसके पास में क्या है, अपना अपना न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा, ध्यान दो, हमने देखा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में सबसे पहले स्पिंडल फाइबर, सॉरी साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है उसके ऊपर में एक लपेटा जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन को, लगातार सिकुड़ता जाएगा जिस तरह से गड्ढा बनता है, इस गड्ढा को हम लोग बोलेंगे सेल फरो, और ये सेल फरो लगातार बढ़ता चला जाता है, और इस तरीके से क्या होता है, लगातार जो है ना वहां पे गड्ढा बढ़ता चला जाता है, एक समय ऐसा होता है कि गड्ढा जो है ना इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि सेल दो अलग अलग पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एनिमल सेल में जो है ना हमारा सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो तुम लोग मुझे ये बताओ, एनिमल सेल में ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ वो क्लियर है कि नहीं। आशी बोल रही है सर ये कहाँ पे होता है, बेटा सेल डिवाइड कर रहा है, तू पिछली क्लास में नहीं थी ना, क्लास में कहाँ से समझ में आया, पिछली क्लास में जो नहीं थे वो नहीं समझ में आएगा, हम पहले बता देते हैं, ओके वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो ये एनिमल सेल में कुछ इस प्रकार से सेल का डिवीजन होता है, ठीक है ना, ये है एनिमल सेल में सेल का डिवीजन, सेल फरो फॉर्मेशन लिखा हुआ है, फॉर्मेशन निर्माण, निर्माण फरो फॉर्मेशन निर्माण, ठीक है बेटा, ओके चल ठीक है। अच्छा एक बात बता, तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे शायद, सर्कुलर मोशन चैप्टर में तुमको बताया गया हो, 1 मिनट रुक जाओ, ध्यान दे रहे हो, जो फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताना
सेंटर से बाहर की तरफ लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल ना। और जो सेंटर की तरफ लगता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपेटल। ओके, तू मुझे बता यहां पे जो सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा फॉर्मेशन है? सेंट्रीपेटल फॉर्मेशन है या सेंट्रीफ्यूगल है बेटा? बता तो मुझे। देख रहे हो ना, यहां पे इसके पेरिफेरी से अंदर की तरफ लगातार गड्ढा बनता जा रहा है ना। चूंकि अंदर की तरफ गड्ढा बढ़ता जा रहा है, इस कारण से बोल सकते हैं कि यहां पे जो डिवीजन है वो कैसा है? सेंट्री पेटल है। एक्सेलेंट बेटा, तो यहाँ पे याद रखना है एनिमल सेल में सेल फॉरो का जो फॉर्मेशन होता है दैट वन इज सेंट्री पेटल, ठीक है ना। सेंट्री पेटल सेल फॉरो का फॉर्मेशन होता है किसमें? तो हम लोग को याद रखना है एनिमल सेल में, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से देखें हम लोग, तो एनिमल सेल में किस प्रकार से हमारा साइटोकाइनेसिस होता है और दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है वो हमें क्लियर है। इसमें आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है क्या कंफ्यूजन किसी को? आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। तो अपन इसको सेव करते हैं, ठीक है ना। और इसको सेव करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, ठीक है ना। तो चलिए जी, इसको मैं मिटाता हूं पहले, एंड देन विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूँ बेटा। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ। ओके हाँ, अब हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे, ध्यान दो। ओके ध्यान दो, अब हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल, ठीक है बेटा। ध्यान दो, प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है ना वो एनिमल सेल से थोड़ा डिफरेंट है। किस मामले में डिफरेंट है? तो बेटा प्लांट सेल में तो हमारा सेल मेम्ब्रेन केवल था, ठीक है ना। लेकिन एनिमल सेल में एक प्रॉब्लम क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एज अ आउटर कवरिंग सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, इस कारण से वो थोड़ा कठोर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा प्लांट सेल है उसमें जो डिवीजन है वो थोड़ा अलग तरीके का हो जाएगा। मैं डायग्रामेटिकली बना के दिखाता हूँ। मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है ना, और ये जो प्लांट सेल हमारा है, इस प्लांट में सेल में अपन दो ठो न्यूक्लियस बना देते हैं। चलिए जी, ये रहा न्यूक्लियस, और एक प्यारा सा न्यूक्लियस और बनाते हैं, ये रहा अपना न्यूक्लियस। अच्छा, आप लोगों को गॉल्जी बॉडी का नाम पता है क्या? गॉल्जी बॉडी, हाँ या ना। ओके, गॉल्जी बॉडी का संरचना कुछ ऐसा ही आपको बताया गया होगा ना, कुछ इस तरीके का, याद कीजिए ना। और गॉल्जी बॉडी क्या करता है? छोटा छोटा डब्बा बनाता है, जिसको क्या नाम देते हैं हम लोग बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं वेसाइकल, याद करो। गॉल्जी बॉडी से जो डब्बा बनता है उसको हम लोग वेसाइकल बोलते हैं। और ये वेसाइकल क्या कंटेन करता है पता है ना? वेसाइकल कंटेन करता है ग्लाइकोप्रोटीन को, ग्लाइको प्रोटीन जो है उसको कंटेन करता है, उसके साथ साथ याद करो ग्लाइकोलिपिड भी रखता है, ग्लाइको लिपिड भी रखता है, याद कीजिए बेटा जी, आपको बताया गया होगा, ठीक है ना। मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के अलावे तुम अगर देखोगे तो प्लांट जब सेल डिवाइड कर रहा होता है ना उस समय एक विशेष प्रकार का केमिकल बनाता है जिसका नाम है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। ये दो केमिकल बनाता है गॉल्जी बॉडी, और किस समय में? जब प्लांट सेल डिवीजन कर रहा होता है, ठीक है ना, उस समय वो बनाएगा कैल्शियम पेक्टेट और ये मैग्नीशियम पेक्टेट का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दो, उसमें वो क्या बनाएगा? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का निर्माण करेगा। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है बेटा, जो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट जिस डब्बा में भरा हुआ होगा ना उस डब्बा को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है ना, उस वेसाइकल को, ठीक है ना। ये कहाँ पर रखा हुआ है? तो बोल सकते हैं केप्ट इन वेसाइकल, ठीक है ना। और जिस वेसाइकल में वो रखा हुआ होता है उस वेसाइकल को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? उस वेसाइकल को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ याद रखना, फेरिग्मो प्लास्ट।
उस कैल्शियम और मैग्नीशियम का भरा हुआ जो डब्बा है, पेक्टेट का जो भरा हुआ डब्बा है, उसको क्या नाम देते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं फेरेग्मोप्लास्ट, ठीक है ना। तो तुमसे कोई पूछे कि फेरेग्मोप्लास्ट क्या है, क्या बोलोगे? फेरेग्मोप्लास्ट एक ऐसा वेसाइकल है या डब्बा है जो कि गॉल्जी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। किस समय? जब सेल डिवीजन कर रहा होता है, प्लांट सेल डिवीजन कर रहा होता है, उसमें भरा हुआ क्या होता है? तो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट भरा हुआ, ठीक है। एक और चीज सुन लो, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट है, वो इसको लोग प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्लांट सीमेंट, प्लांट सीमेंट, ठीक है ना। तो बेटा ये भी पॉइंट तुमको याद रखना पड़ेगा, जैसे दो ईंट को जोड़ने के लिए हम लोग प्लांट सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही प्लांट में दो सेल को जोड़ने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा गॉल्जी बॉडी है, ठीक है ना, गॉल्जी बॉडी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया? गॉल्जी बॉडी जो है वेसाइकल निर्माण करता है, जो वेसाइकल रखता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट कब बनता है? तो बोल सकते हैं फॉर्म्ड ऑनली किस समय? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये केवल सेल डिवीजन के समय ही बनता है, ठीक है ना। और क्या याद रखना है हम लोग को? ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट है, इसको हम लोग प्लांट सीमेंट के भी नाम से डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्लांट के दो सेल को आपस में चिपकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और जिस डब्बा में या जिस वेसाइकल में रखा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग फेरेग्मोप्लास्ट, ठीक है ना, उसको फेरेग्मोप्लास्ट बोलेंगे। तो बेटा मुझे ये बता, ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्लियर है कि? जल्दी बता, ये तुम्हें सेल चैप्टर चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना था, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया, इज इट क्लियर? जल्दी बता। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सलेंट, चल ठीक है, गुड। तो कहने का मतलब क्या? गॉल्जी बॉडी हमारा फेरेग्मोप्लास्ट का निर्माण करता है, ठीक है ना। पेज नंबर बताना मुझे थोड़ा जल्दी, पेज नंबर बेटा। ओके ठीक, चलो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, ओके, एंड लेट मी इरेज ऑल थिंग्स। अब हम लोग चलते हैं, ये मुझे बताना था एक्स्ट्रा पॉइंट, इसलिए मैंने बताया आपको। अब हमें इस कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से सेल डिवीजन करने में ये मदद करता है, थोड़ा सा हम लोग उसको देख ले। ध्यान दे बेटा, प्लांट में तुम साइटोकाइनेसिस देखोगे ना, तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस के समय में क्या होता है? जब वो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होना हो, तो इस तरीके से गॉल्जी बॉडी जो है ना, बीच में आ जाए, या बीच में छोड़ दे, हटा, बीच क्यों बोले, इसको गड़बड़ हो जाएगा। गॉल्जी बॉडी कुछ इस तरीके से क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस के बगल में यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होने के बाद क्या होता है, वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से भरा हुआ जो फेरेग्मोप्लास्ट था, उसका निर्माण करना स्टार्ट कर देता है। ध्यान देना मेरी बात, ये गॉल्जी बॉडी क्या करता है? गॉल्जी बॉडी कुछ इस तरीके से फेरेग्मोप्लास्ट जो है उसका निर्माण करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। ध्यान दें, फेरेग्मोप्लास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पेज नंबर गलत हो गया बेटा तो तुम लोग ठीक कर देना, ठीक है ना, वीडियो तो रिकॉर्डेड होता ही है, देख लेना कौन सा पेज कब आएगा, ठीक है। ध्यान दें, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हमारा जो गॉल्जी बॉडी है वो क्या करता है बेटा जी, ध्यान दीजिए वर्ड को, ये जो गॉल्जी बॉडी है, गॉल्जी बॉडी जीवी में लिखता हूं, वो क्या करता है, फेरेग्मोप्लास्ट बनाना स्टार्ट करता है, फेरेग्मोप्लास्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। अब बेटा इस फेरेग्मोप्लास्ट के निर्माण से होने क्या वाला है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? अगर इसके इंपॉर्टेंस को देखना हो तो थोड़ा देर और रुक जाओ, एक डायग्राम और बनाता हूं, इसके बाद वाला इवेंट, इसमें क्लियरली तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है बेटा। ध्यान देना, तुम देखोगे क्या, जैसे ही बहुत सारे फेरेग्मोप्लास्ट बन जाते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बहुत सारे ऑर्गेनली के साथ जमा होकर के, मान लो बहुत सारे यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनली है, ठीक है ना, मान लीजिए क्या है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी बॉडी है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रो ट्यूब्यूल, ठीक है ना, ये सारे के हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। फेरेग्मोप्लास्ट क्या करेगा, उसके साथ जाकर के चिपकना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या होगा, एक तुमको दीवार टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना।
ये गॉल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोटिब्यूल और उसके साथ जो जुड़ा हुआ हमारा फेरेग्मोप्लास्ट है, फेरेग्मोप्लास्ट जो हमारा है वो, ये सब जो है ना वहां पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फेरेग्मो प्लास्ट जो है वो सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी, जमा होनी शुरू हो जाएगी। और जब ये जमा होना शुरू हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, एक प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना बेटा। ये जो प्लेट के जैसा संरचना यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ है, ये वाली स्ट्रक्चर प्लेट के जैसा, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट, ठीक है बेटा, सेल प्लेट के नाम से जानते हैं। ये क्या है अपना, ये है सेल प्लेट, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे सेल प्लेट कैसे बना, तो तुम बता सकते हो कि भाई साहब अगर ऐसा हुआ है कि यहाँ पे फेरेग्मोप्लास्ट, गॉल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ चिपक गया है, ठीक है ना, और चिपकने के कारण मोटा सा प्लेट बन गया है, इसी को सेल प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, ये जो सेल प्लेट हमारा यहाँ पे बना, अब यही पे वो नहीं रुक जाएगा, और आगे बढ़े, ठीक है ना। और आगे क्या होता है उसको समझने के लिए एक और डायग्राम अपन बना, ठीक है ना, एक और प्यारा सा डायग्राम अपन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना। तुम्हें थोड़ी देर के बाद क्या पता चलेगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। लगातार यहाँ पे जो हमारा गॉल्जी बॉडी था, ये था अपना गॉल्जी बॉडी, ये था अपना गॉल्जी बॉडी, लगातार फेरेग्मोप्लास्ट यहाँ से बन रहा है, ठीक है बेटा, लगातार यहाँ से फेरेग्मोप्लास्ट बनता जा रहा है, ठीक है ना। तो तू ही बता, लगातार अगर फेरेग्मोप्लास्ट यहां से बनता जाएगा तो सेल प्लेट लगातार बड़ा होता जाएगा ना। और जब सेल प्लेट लगातार बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा, अपोजिट एंड को टच कर लेगा। और जब अपोजिट एंड को टच कर लिया तो मतलब क्या, पार्टीशन हो गया। अब इधर का साइटोप्लाज्म बेचारा उस तरफ नहीं जा पाएगा, इधर का साइटोप्लाज्म इस तरफ नहीं जा पाएगा, तो तुम समझ सकते हो कि अब क्या हुआ, पार्टीशनिंग हो गया, ठीक है ना। और इस तरीके से सेल प्लेट जो है उसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना बेटा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन केवल सेल प्लेट के फॉर्मेशन तक ही बात नहीं रहेगी, बात इससे आगे तक जाएगी। क्या होगा इसके बाद, तो चलो इसके बाद वाले को मैं एक और डायग्राम में दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है ना। इसके बाद तुम क्या देखोगे, ध्यान देना मेरी बात, इसके बाद तुम क्या देखोगे, देखोगे वही गॉल्जी बॉडी जो अभी तक फेरेग्मोप्लास्ट बना रहा था, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बना रहा था, जैसे ही सेल प्लेट हमारा बन जाता है ना, वो अपना काम बदल देता है, ठीक है ना। अब वो फेरेग्मोप्लास्ट का निर्माण नहीं करेगा, अब वो बनाएगा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, समझना मेरी बात। अब वो क्या करेगा, जैसे ही हमारा यहाँ पे हमारा सेल प्लेट बन गया फेरेग्मोप्लास्ट के द्वारा, ये सेल प्लेट हमारा बन गया, सेल प्लेट के अब अगर बगल में क्या करेगा, ध्यान दो ये है सेल प्लेट, सेल प्लेट, ठीक है ना। तो बेटा अभी तक क्या हो रहा था, गॉल्जी बॉडी अपना क्या बना रहा था, अभी तक गॉल्जी बॉडी बना रहा था सेल प्लेट। अब सेल प्लेट ना बना करके अब जो ये डब्बा बनाएगा, उस डब्बा में होगा क्या, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। अब इस डब्बे में, अब इस रिसाइकल में सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब इस डब्बे में होगा क्या, इस डब्बे में होगा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, मैं यहाँ पे एरो देकर लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसमें 1 मिनट, इसमें इस डब्बे में अब सेलुलोज और हेमी सेलुलोज भरा हुआ, सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज, ठीक है ना। और जब इसमें सेलुलोज और हेमी सेल्यूलोज भरा हुआ होगा तो बेटा तुम समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। डायग्राम में मैं बना के दिखा देता हूँ क्या होने वाला है इसके बाद, समझना मेरी बात। इसके बाद क्या होने वाला है बेटा, जैसे ही सेलुलोज और हेमी सेल्यूलोज हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, समझना मेरी बात, तो वो सेलुलोज और हेमी सेल्यूलोज क्या होने वाला है, सेल प्लेट के दोनों तरफ वो भरने वाला है। सेल प्लेट के दोनों तरफ वो क्या होगा, जमा होगा। 1 मिनट, इसके दोनों तरफ वो जमा होगा ना, इस तरफ भी जमा होगा और इस तरफ भी जमा होगा। और जैसे ही जमा हुआ, तुमको पता है ना सेलुलोज और हेमिसेलुलोज को क्या बनाता है, सेल वॉल ना। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और बेटा जी जैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, आप समझ सकते हैं कि दो अलग अलग सेल का निर्माण हो गया, ये एक अलग सेल और यहाँ ये वाला पार्टीशन जो है वो अलग सेल ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो अलग अलग सेल का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो प्लांट सेल में कुछ इस तरीके से दो अलग अलग सेल का निर्माण होता है, या साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ ये साइटोकाइनेसिस समझ में आया कि नहीं।
प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस मैंने बताया। इज इट क्लियर बेटा? जल्दी बता सब मुझे। ओके सब बता। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले क्या हुआ है, गॉल्जी बॉडी यहाँ पे क्या बनाया है, सबसे पहले बनाया है वो फेरेग्मोप्लास्ट, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट भरा हुआ होता है। वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट क्या हुआ है, वो माइक्रोट्यूब्यूल गॉल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपक करके लगातार क्या हुआ है, प्लेट का निर्माण किया हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल प्लेट, ठीक है ना। उसके बाद बेटा क्या हुआ है, जब सेल प्लेट अपना बन गया है, तो उसके बाद क्या हुआ है, हमारा वही गॉल्जी बॉडी अब क्या बनाना स्टार्ट कर दिया है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, और वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या हुआ है, इस तरफ से भी आकृति जमा होता जा रहा है, इस तरफ से भी आकृति जमा होता जा रहा है, तो इस तरफ एक सेल वॉल बन जाएगा और इस तरफ एक सेल वॉल बन जाएगा, कुल मिलाकर के बोलेंगे तो दोनों तरफ सेल वॉल बन गया ये सेल प्लेट के बगल में, और इस तरीके से दो अलग अलग सेल का निर्माण हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, जब सेल वॉल बन जाता है ना, ध्यान देना, जब सेल वॉल बन जाता है, तो बेटा एक मिनट मैं इसको सेव ही कर लेता हूँ। हाँ, जब सेल वॉल बन जाता है, तो अब इस सेल प्लेट को हम लोग सेल प्लेट नहीं बोलेंगे बेटा, गलती से भी सेल प्लेट मत बोल, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, तुम लोग नाम सुने होंगे, इसको हम लोग मिडिल लैमेला के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो सेल प्लेट ही जब सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा, तो कहलाएगा क्या, मिडिल लैमेला। ध्यान देना, जब सेल प्लेट ही जब हमारा मतलब सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, मिडिल लैमेला, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्लियर है क्या बेटा? हाँ या ना, जल्दी बता, सारी चीजें क्लियर है, जो भी चीजें मैंने बताया, जल्दी इसको दिमाग में स्टोर कर, जस्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, मैं पूछूंगा सारी चीजें। तो हम लोगों को बेटा यहाँ पे क्या पता चला, प्लांट सेल में हम लोगों को क्या पता चला, सबसे पहले क्या बनता है बेटा, सीक्वेंस में बताना, सबसे पहले क्या बनता है, सेल प्लेट फेरेग्मोप्लास्ट क्या बनता है, सबसे पहले गॉल्जी बॉडी क्या बनाता है, सीक्वेंस में बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी, सबसे पहले बनता है फेरेग्मो प्लास्ट। एक्सलेंट बेटा। अच्छा, फेरेग्मो प्लास्ट चिपक करके क्या बनाता है बेटा, जल्दी बता, फेरेग्मो प्लास्ट आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, सेल प्लेट ना, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। बेटा जी मुझे बताना है, यहाँ पे ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ही ना हो रहा है, ध्यान दो समझना, सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे सेल प्लेट बना, लगातार फेरेग्मोप्लास्ट जुड़ता जा रहा है और लगातार वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है ना। तो तू मुझे बता, यहाँ पे ये जो हमारा सेल प्लेट की जो लंबाई बढ़ रही है, या उसका जो आकार बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, वो किधर बढ़ रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ या सेंटर की ओर, सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ रहा है या सेंटर की ओर बढ़ रहा है, बताना मुझे चैट बॉक्स में, सेंटर से बाहर, अगर तुम बता, यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से बाहर अगर कोई चीज जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, प्लांट सेल में सेंट्रिपिटल सेल वॉल मतलब के सेल डिवीजन होता था, साइटोकाइनेसिस होता था, जबकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है ना, साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, हमारा एनिमल सेल में होता था सेंट्रिपिटल, जबकि यहाँ पे हमारा साइटोकाइनेसिस होता है सेंट्रीफ्यूगल। ओके चल ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता मुझे, यहाँ पे जो सेल प्लेट हमारा बना है बेटा, ये सेल प्लेट जो हमारा बना है, ठीक है ना, ये जो बेटा अपना सेल प्लेट बना है, इसके दोनों तरफ अब क्या बनने वाला है, बताना मुझे क्या बनेगा अब इसके दोनों तरफ। एक्सेलेंट बेटा, इसके दोनों तरफ बनने वाला है सेल वॉल, इधर भी सेल वॉल का डिपोजिशन होगा, इधर भी सेल वॉल का डिपोजिशन होगा ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज दोनों जमा होकर के सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा ना, सेल वॉल का क्या होने वाला है, यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है। ओके बेटा, अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो अब हम लोग इस सेल प्लेट को क्या नाम देंगे, बोलना, वेरी गुड बेटा,
इसको अब हम लोग नाम देंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लैमेला। एक्सलेंट बेटा। हाँ, इसको हम लोग नाम देने वाले हैं क्या, मिडिल लैमेला ना। तो बेटा जी इस तरीके से देखें हम लोग तो पता चलता है कि किस प्रकार से प्लांट सेल में हमारा जो है ना, हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या, प्लांट में और एनिमल में कैसे हमारा साइटोकाइनेसिस हुआ। हाँ या ना, आई थिंक क्लियर होगा, इससे बेहतर तरीके से नहीं बताया जा सकता। चलो ठीक है, गुड, एक्सेलेंट बेटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं हमारा जो सेल का डिवीजन है या हमारा माइटोसिस है वो कैसे होता है, ठीक है ना। एकदम क्लियरली हम लोग को समझ में आ चुका है। अपन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग में हमने जो डिस्कस किया था, पाई चार्ट बनाते हैं। तुम लोग मुझे बताना, अब मेरी काम नहीं है यहाँ पे, आप लोग मुझे बताना, तुम लोग बताओगे, तैयार हो जाओ। इसको अगर हम लोग जीवन बोले नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, चैट बॉक्स में बताओ क्या बोलेंगे बेटा इस वाले को। ओके बेटा, इसको हम लोग एस एच बोलेंगे। एक्सेलेंट, इसको क्या बोलेंगे, जी टू। वेरी गुड बेटा, ओके, ये जी टू है। एक्सेलेंट, तो ये हमारा टोटल मिलाकर के इंटरफेस हो गया। तो अब यहां से यहां ये वाला जो फेज होगा वो एम फेज होगा ना, ये एम फेज होगा। और एम फेज में इसका जो मेजर पोर्शन होता है वो एक स्टेप होता है, तुम लोगों को अच्छे से पता है। एम फेज में अधिकांश स्टेप जो हमारा है, अधिकांश समय जो है इसमें गुजरेगा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस, जल्दी बता मुझे, साइटो या कैरियो। एक्सेलेंट बेटा, इसको क्या नाम देने वाले हम लोग, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो काइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ स्टेप्स हैं इसके, याद कीजिए, कैरियोकाइनेसिस में बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप मुझे बताना कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अगर इसको हम लोग बोलेंगे प्रोफेज तो इसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, मेटाफेज, ये वाला, एनाफेज और ये, वेरी गुड बेटा, टेलोफेज। एक्सेलेंट, चलो ठीक है, ये टेलोफेज। और ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये वाला बताना मुझे, क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। एक्सेलेंट, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। और इस तरीके से अपना एक प्यारा सा सेल यहाँ पे, इसमें एक न्यूक्लियस था, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होते होते उसमें दो ठो न्यूक्लियस आ गया, और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होते होते वो दो सेल में बदल गया ना। अब इसके बाद मान लो कि इसको आगे डिवाइड करना है तो जी1 फेज से एस फेज में जाएगा, और डिवाइड नहीं करना है तो बाहर निकल जाएगा जी0 फेज में वो ना। तो यहाँ पे माइटोसिस कैसे होता है वो क्लियर हुआ। हाँ या ना, क्लियर ना, चलो ठीक है, एक्सेलेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा एक बात मुझे बताना, थोड़ा मुझे बताना अच्छे से, यहाँ पे ये हमारा सेल जो था, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, माइटोसिस, माइटोसिस में यहाँ पे मान लो कि इस सेल के पास में दो ठो क्रोमोसोम था, ये कब था, मान लो जी1 फेज में, ये जी1 फेज में इसके पास दो क्रोमोसोम था, समझना मैं क्या बताना चाहूंगा। चल ये एस फेज में गया, अगर एस फेज में गया तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर दो रहेगा या चार हो जाएगा, क्रोमोसोम के नंबर की बात कर, बताना मुझे, दो ही रहेगा बेटा। एक्सेलेंट, दो ही रहेगा, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए देखो, अभी इसमें एक धागा था, अभी इसमें एक धागा था, अब कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसमें भी दो धागा आ जाएगा और इसमें भी दो धागा आ जाएगा ना। चल ठीक है, अब ये जो हमारा है दो धागा इसमें आ गया, ये हमारा एस फेज, एस के बाद मान लीजिए जी2 फेज में भी चला गया, ठीक है ना। अब ये सेल डिवाइड करने जा रहा है, मेटाफेज के समय की बात करते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता। मेटाफेज के समय में अगर देखें तो क्या होता है, तुमको बहुत अच्छे से तुम वाकिफ हो इससे, मेटाफेज में क्या होता है, क्योंकि स्पाइनल फाइबर हमारा अटैच होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसलिए फट जाता है कुछ तरीके से, याद कर मैंने बताया है, कुछ ही तरीके से यहाँ पे फट जाता है। और जैसे ही फटेगा तो एक धागा इसमें चला जाएगा, दूसरा धागा यहाँ चला आएगा, एक धागा इसमें, एक धागा इसमें ना। और इस तरीके से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर उसको पकड़ के खींचेगा दोनों तरफ,
समझना मेरी बात, वो खींचता है। तो खींचने के बाद यहाँ पे क्या होता है, अच्छा ये जो हमारा क्रोमोजोम का जो दो ठो टुकड़ा बना है इसको क्या नाम देते हैं बेटा, इस टुकड़े को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में बता दो मुझे। क्रोमोजोम जो फटा है उसको क्या बोले, हाँ वेरी गुड नरगिस, एक्सेलेंट बेटा एक्सेलेंट, इसको क्रोमेटिड बोलते हैं ना। तो यहाँ पे मेटाफेज में तुम देखो ये स्टेज कौन सा है, मेटाफेज। एक मिनट रुक, मैं इसको मिटा ही लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके बेटा, ये जो हमारा है मेटाफेज स्टेज है, समझना ये अपना स्टेज मेटाफेज, मेटाफेज। मेटाफेज के बाद अगर तुम एनाफेज में तुम देखोगे, ध्यान दे मेरी बात, अगर तुम एनाफेज में देखोगे तो सेल इलॉन्गेट कर जाता है, ठीक है ना, एक क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर और एक क्रोमेटिड इधर, ठीक है ना। और उसके बाद तुम क्या देखते हो, जैसे ही टेलोफेज होता है तो टेलोफेज में क्या होगा हमारा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ पे ना, मतलब एक क्रोमेटिड इसमें, एक क्रोमेटिड इसमें, एक क्रोमेटिड इसमें और एक क्रोमेटिड इसमें ना। और उसके बीच में क्या होगा, ये एक धागा सिंगल, ये एक धागा, ये भी धागा, ये भी धागा। अब तू मुझे बता, शुरुआत में हम लोग जब चल रहे थे इसको देख रहे थे तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो था, अब यहाँ पे ये जो है इसको क्रोमोसोम बोलो या डॉटर क्रोमोसोम बोलो या क्रोमेटिड, इसको तुम तो डॉटर क्रोमोसोम बोल सकते हो, डॉटर क्रोमोसोम, या इसको तुम क्रोमेटिड बोलो, क्रोमेटिड बोलो। तुमको ये देखने में इसके जैसा लग रहा है ना, ये वाला इसके जैसा है ना, उसी के जैसा एकदम बिल्कुल। अगर इसको मान लो जी टू फेज में भेज दिया जाए, एस फेज और जी टू फेज में भेज दिया जाए तो उसमें दो ठो धागा बन जाएगा। तुम इसको देख रहे हो तो सेम इसी के जैसा है ना। तो तुम मुझे बताओ माइटोसिस में ये जो डिवीजन हुआ, क्या इस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज किया, हाँ या ना, मैं मुझे केवल ये बता दे, यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस भी हमारा बना है नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज हुआ, नहीं नो, चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम नहीं चेंज होता है इसलिए बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विटेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कांस्टेंट होता है आफ्टर डिवीजन, दोनों हमारे जो सेल बना, यहाँ पे मैं इसको सेल ही बना देता हूँ, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, सेपरेट होकर यहाँ पे दो ठो सेल, ठीक है ना। आफ्टर डिवीजन जो दो ठो सेल बना है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है ना, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, इसके पेरेंट में भी दो थे, यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में इक्वल होता है, ये चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना। ओके वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। चल ये तो मैंने वैसे ही बता दिया तुमको तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, चल ठीक है, हम लोग इसकी बात कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के डिवीजन के बारे में, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा मियोसिस के बारे में, जिसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मियोसिस की बात करेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है ना, इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। अच्छा बेटा एक बात मुझे बता, ये रामलाल है, ठीक है ना, और ये उसकी वाइफ है मान ले, ठीक है ना, रामलाल का स्पर्म है, ठीक है ना, और उसकी वाइफ कुछ भी नाम रख दे, उसकी वाइफ है, उसका ये ओवम है, रामलाल के पास में कितना क्रोमोसोम होगा, उसके पास में 46 क्रोमोसोम होगा, समझना मेरी बात, इसके पास में 46 क्रोमोसोम, तो इसके हाँ और इसके पास में भी 46 क्रोमोसोम। बेटा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसका जो सेल है स्पर्म, इसमें भी 46 क्रोमोसोम हो और इसके ओवम में भी 46 क्रोमोसोम हो, अगर ऐसा होगा तो इसका जो बेटा बना है झामलाल, ठीक है ना, उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगा, इसके सेल में 46 46 दोनों जुड़ कर आएगा ना, 40 80 और 92 सेल क्रोमोजोम होंगे इसके अंदर में। और तू बता अगर उसके बेटे में 92 क्रोमोजोम होगा तो क्या वो रामलाल का बेटा लगेगा, वो कुछ और लगेगा, वो तो आदमी ही नहीं लगेगा, कुछ और दिख जाएगा ना। तो ऐसा संभव है ही नहीं कि हम में 46 क्रोमोजोम हो और हमारे बच्चे में दुगुना क्रोमोजोम हो ना, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। अगर बेटा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे क्या होता हो, रामलाल के बॉडी के अंदर में नो डाउट 46 क्रोमोसोम है,
लेकिन वो अपने बच्चे को बनाने के लिए जो स्पर्म देने वाले है उसमें 46 क्रोमोजोम कभी नहीं देगा, वो कितना क्रोमोजोम देगा, 23 क्रोमोजोम देगा। उसकी जो वाइफ है उसके अंदर में 46 क्रोमोजोम है, लेकिन वो बच्चे को बनाने के लिए कभी भी 46 क्रोमोजोम नहीं देगा, 23 देगा, ठीक है ना। और इस तरीके से दोनों का जो है 23 23 आपस में जुड़ करके 46 क्रोमोजोम बनेगा, और 46 क्रोमोजोम जब बनेगा तो वो उसका बच्चा होगा ना। मतलब क्या, रामलाल के अंदर में जो रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सेल बन रहा है उस सेल में क्या हो रहा है, ये सेल जो है उसमें 46 क्रोमोजोम है, लेकिन उससे जो डॉटर सेल बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, इसमें 46 क्रोमोजोम नहीं है, उसमें क्या हुआ है, आधा हो गया ना। मतलब क्या, हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन के समय में या लाइफ साइकिल में कभी ना कभी एक ऐसा स्टेज आता है जब क्या होता है, हमारे अंदर में जो क्रोमोजोम की संख्या जो है ना डॉटर सेल में क्या होती है, हाफ हो जाती है, ठीक है ना। उसी डिवीजन को बेटा हम लोग बोलते हैं मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम है, ठीक है ना, ये क्या होता है, हाफ हो जाता है, ठीक है ना।